शांति। आज 18 जनवरी 2024 है और आज के अव्यक्त दिवस की हम सभी को स्मृति भी है और उसी अनुसार आज के दिन हम तपस्या भी कर रहे होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व शिव बाबा पर समर्पित किया, यही फॉलो फादर करने के लिए आज हम अव्यक्त इशारों से अपने अंदर धारण करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है, तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी एग्जाम्पल था ही नहीं, उन्होंने तो सामने अपने हमेशा शिव बाबा को ही देखा, उन पर ही सब कुछ समर्पित किया और इसीलिए नंबर वन चले गए। जब हम फॉलो फादर करने की बात करते हैं तो कभी कभी हम एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा के आगे तो कोई था ही नहीं, बाबा में तो खुद ही शिव बाबा थे, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है, हमारे आगे तो और भी उदाहरण हैं। लेकिन बाबा ने फिर भी कहा फॉलो फादर। भले ही ब्रह्मा बाबा को ये मदद मिली, लेकिन उसके बदले कितने पेपर भी तो पास करने पड़े। हम बच्चों के सामने वो जिम्मेदारी और वो पेपर तो नहीं, तो हम इजीली फॉलो फादर कर सकते हैं। और आज फॉलो फादर किस बात में करेंगे, वो है संपूर्ण समर्पण। बाबा ने आत्म अभिमानी होने का पाठ कितना पक्का किया। 1932 से जब से बाबा की प्रधामिनी भी नहीं हुई थी, तब से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को इसी बात पे प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है। पूरी दीवारें सारी डायरियां बाबा ने भरी। क्या हमने अभी तक उस अभ्यास का कितना परसेंट किया है, ये हम सभी चेक करें। साथ ही साथ जैसे ही शिव बाबा ने उन्हें अपने काम में लगाया, अभी पूरी क्लैरिटी भी नहीं थी, लेकिन इतना निश्चय हो गया था कि कोई बड़ी हस्ती है जो मुझसे कुछ करवाना चाहती है, और उसी निश्चय पर सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ समेट दिया। इसीलिए आत्मा लाइट और मन से भी हमेशा लाइट बनकर बाबा आगे नंबर वन में चले गए। तो नंबर वन में जाने के लिए आज सारा दिन हम यही फॉलो फादर करेंगे। ओम शांति।